काफ़ी जल्द होंडा की कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज को एक काफ़ी बढ़िया अपडेट मिलने वाला है और ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है। ये यहाँ पे आपको डिज़ाइन में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, नए नए एडवांस लेवल के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। बात कर रही जाए ये जो नया होंडा अमेज होने वाला है, इसमें कई सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सटीरियर डिज़ाइन जिसकी इंस्पिरेशन होंडा लेने वाला है और न्यू होंडा सिटी, और इसके साथ साथ ग्लोबल मॉडल होंडा एकॉर्ड जो सेडान है उससे इसकी एक्सटीरियर डिज़ाइन की इंस्पिरेशन लिए जा रहे हैं, और ये एक जेनरेशन शिफ्ट हो सकता है न्यू होंडा अमेज के लिए। तो यहाँ पे ये गाड़ी के लुक काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम भी लगने वाला है। ये गाड़ी में आपको फ्रंट लुक में ऑल एलईडी लाइटिंग के सेटअप देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ साइड में आपको ऑल न्यू व्हील्स देखने को अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और बैक प्रोफाइल में यहाँ पे ऑल न्यू बैक प्रोफाइल के साथ साथ आपको शायद यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी एलईडी वाला, क्योंकि कनेक्टेड टेल लाइट का ज़माना चल रहा है, सभी गाड़ियों में अभी कनेक्टेड टेल लाइट आ रहे हैं। इसके इंटीरियर की बात करी जाए तो इंटीरियर पे भी काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे फ्लोटिंग बड़ा सा टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को आपको मिल जाए, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर्स और सारे मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैक कैमरा के साथ साथ लेन वॉच कैमरा भी देखने को मिल सकता है, या हो सकता है यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आपको दे दिया जाए। यहाँ पे आपको कैमरा बेस अडैप सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स होंडा अमेज में आपको देखने को मिल जाएगा, और गाड़ी में शायद आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल जाए, और कई सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको दे दिए जाएंगे। पावर ट्रेन की बात करें तो वही सिमिलर पावर ट्रेन 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इंजन काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी रिफाइंड है, और इसके साथ साथ काफ़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंट भी है। ये इंजन आपको 18.6 एयर एआई सर्टिफाइड माइलेज आपको दे देती है। बात करी जाए यहाँ पे आपको 89 bhp का पावर, 110 न्यूटोमीटर का टॉर्क मिल जाता है, बहुत मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये नया अमेज एक्सपेक्टेड है 2024 में कभी भी इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है, और ये गाड़ी का प्राइस रेंज स्टार्टिंग हो सकता है 7.5 लाख से, और टॉप एंड मॉडल कई सारे फीचर्स आ जा रहे हैं तो शायद 10 से 11 लाख तक भी जा सकता है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन होंडा अमेज या न्यू होंडा अमेज के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे जैसे नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बता दीजिए, बाय बाय।